सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी को ऋतु का नमस्कार और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, संडियों में हम कई तरीके के प्लांट्स अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए लगाते हैं, ख़ास तौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें से आज हम बात करेंगे नस्टर्शियम के बारे में। नस्टर्शियम जो है ये सीड से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम विंटर्स के सीड्स किस तरीके से लगाएं। तो नस्टर्शियम के मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं और मैंने उन बड़े प्लांट्स को तो रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी देखिए कुछ सीड्स जो हैं मेरे स्प्राउट हो रहे हैं और आप साइड में देख रहे हैं ये मेरा प्लांट जो है ये रिपोर्ट करने के लिए रेडी है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था पुराने वीडियो में कि पॉटिंग सॉइल किस तरीके से बनाना है, तो आप उस तरीके से उस वीडियो को देखिए और पॉटिंग सॉइल बनाकर अभी भी आप चाहें तो सीडिंग कर सकते हैं। नस्टर्शियम जो है ये बहुत आसानी से लगने वाला एक प्लांट होता है। इसका जो बीज होता है मटर के दाने के बराबर ऊपर से खरदूरी सतह वाला होता है और इसे स्प्राउटिंग में कम से कम 2 सप्ताह लग जाते हैं और बढ़ने के लिए जब 3 इंच का आपका पौधा हो जाए तो उस दौरान आप कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट, कॉम्पोस्ट और गार्डन सॉइल इन सभी को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए और अपनी खुद की पॉटिंग सॉइल बनाइए, उसमें आप लगा लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कुछ प्लांट्स जो है इनको रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए ये करीबन मेरे 1.5 महीने पुरानी ये मेरी पौध है और ये इसे मैंने बड़े गमले में लगाया हुआ है। जब हम बड़े गमलों में प्लांट्स लगाते हैं इस तरीके के तो आप इजीली 8 से 10 प्लांट आप लगा सकते हैं और आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर्स मौजूद हैं हैंगिंग बास्केट में या साइड वॉल पे जब हम लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए ये फुल सन में होने वाले प्लांट है। वेलड्रीन पॉटिंग सॉइल आप बनाइए। जब आप पॉटिंग सॉइल में आप खाद वगैरह मिलाते हैं तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतनी उनके लिए काफ़ी होती है जितने आपने सॉइल में बना रखी है या मिला रखी है। जब प्लांट जो है 1 महीने पुराना हो जाता है उस समय आप उसको हर 10वें दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने लगे तो वो बहुत अच्छा होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनमें सीड फॉर्मेशन अच्छे होते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है नस्टर्शियम का कलर सुर्ख हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी बढ़ जाती है। कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं उनके पॉट में यदि जगह है, जैसे मैंने देखिए ये हिबिस्कस अब डॉर्मेंसी में जा रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी बड़े सब पॉट है, इसमें काफ़ी सारी जगह है तो इसमें मैंने नस्टर्शियम लगा कर रखा हुआ है और आप चाहें तो इसमें पिचूनिया भी लगा सकते हैं, वर्बीना भी लगा सकते हैं। नस्टर्शियम जो है ये नवंबर से ग्रो होते हैं या कह लीजिए अक्टूबर से ग्रो होते हैं और उसके बाद में मई जून तक बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं ये। फिर उस दौरान आप इनके सीड कलेक्ट कर लीजिए। जितना ऑर्गेनिक वे में आप गार्डनिंग करेंगे उनके सीड्स की जर्मिनेशन पावर उतनी अच्छी रहती है और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको घर में ही, यदि आपके पास में सीड्स नहीं हैं तो आप नर्सरी से भी प्लांट ले आइए। यदि प्लांट्स भी आप लेकर आते हैं तो 2 कलर्स में लेकर आइए। इनमें कुछ कलर्स आते हैं जैसे येलो शेड में होता है, डार्क ऑरेंज होता है, लाइट ऑरेंज होता है, कुछ रेडिश टिंज वाला होता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जब आप प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो उस दौरान जो है आपको मल्टी कलर के सीड्स आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर 2 प्लांट्स लगे थे, उनमें से मुझे करीबन 15 से 20 सीड्स मुझे मिल गए थे, वही मैंने लगाए थे और आज मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सेल्फ सीडिंग से ग्रो हुआ है और ये एक ऐसी ट्रे में लगा हुआ है जहाँ मैं अपने गार्डन का पूरा जितनी भी पत्तियाँ होती वो मैं डाल देती हूँ। तो इसे क्या हो रहा है कि जब हम पानी डालते हैं तो नीचे की पत्तियाँ जो है वो खाद के रूप में परिवर्तित हो रही हैं और इसे नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल रहा है। अब नस्टर्शियम में एक चीज़ और होती है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं,
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्लावर से ज़्यादा पत्तियाँ निकल रही हैं तो आप पत्तियों को थोड़ा सा बीच बीच से हटा दीजिए। लेकिन मैं देखिए मैं बिल्कुल भी प्लांट्स की जो उसकी एक साइकिल होती है मैं उसे डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं ये सब काम नहीं करती। पर हाँ, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं कि फ्लावरिंग कम हो तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो बेस्ट है कि आप जो हैं, मैंने आपको बताया है, आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, बनाना पील को आप सोक करके रख दीजिए, वो पानी डाल दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उसे कट करके ड्राई करके पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, या छिलकों को भी बारीक पीसेस में कट करके उसकी रूट्स में दबा सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र प्लांट्स को मिलता है। दूसरा, आप फिटकरी भी डाल सकते हैं। अब फिटकरी के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि हम गार्डन में फिटकरी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और दूसरी बात जो है, इनमें कभी भी चींटियों का आप बढ़वार देखें तो बेस्ट है नीम ऑयल सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं, या फिर सोप सॉल्यूशन आप इवनिंग टाइम में स्प्रे कीजिए, ताकि जो फ्लावर्स हैं ये एक ही दिन रहते हैं, ये स्पेंट हो जाते हैं। तो स्पेंट फ्लावर्स को हटा दीजिए, यदि आपको सीड्स चाहिए तो स्पेंट फ्लावर्स को रहने दीजिए। तो सीज़न एंड में जब आप स्पेंट फ्लावर्स को रहने देंगे तो आपको अच्छे सीड्स मिलेंगे, अभी आप उनको हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे अगले नए टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए अपने गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए और अपनी गार्डनिंग से रिलेटेड कमेंट्स एंड क्वेरीज़ मुझे लिख भेजिए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।